हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सितेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आपके डीएसएस 200 डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया का क्वेश्चन पेपर का आंसर की है, तो एक बार देख लीजिए कितना क्वेश्चन आपका सही है फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और चलिए देखते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को और भी प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण NDMA का प्रमुख है? तो यहां पर जो सही आंसर होगा होगा बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन आपदा से पूर्व का आपदा प्रबंध का उद्देश्य है? तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपका ए, जानकारी एकत्र करना। क्वेश्चन नंबर थ्री है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान का उद्घाटन किया गया 11 अगस्त 2004 में, आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, आपदा संबंधी तैयारियों के चरण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है? तो ए ऑप्शन आपका जन जागरूकता और शिक्षा, बी है सुभेदता और जोखिम मूल्यांकन, सी है वैकल्पिक तकनीकों को प्रस्तुत करना, और डी है उपरोक्त सभी। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव कौन से हैं? तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स आपका वो होगा आपका डी, पुलों का टूटना, तटीय गांव में बाढ़ और भोजन की कमी, मृदा अपरदन, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान का मुख्यालय स्थित है? तो यहां पर जो सही आंसर होगा होगा बी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर सेवन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, आपका ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर एट है आपका, आपदा से संबंधित तैयारी के चरण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है? तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा जन जागरूकता और शिक्षा, भेदता और जोखिम मूल्यांकन, प्रशिक्षण और अभ्यास, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका, निम्नलिखित में से किसे आपदा प्रबंध का उद्देश्य माना जाता है? तो यहां पर देख लेते हैं, ए दिया है शवों का अंतिम संस्कार, बी है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सी है आपदा पीड़ितों का पुनर्वास, और डी है ये सभी। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपदा प्रबंधन कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यहां पर जो सही आंसर होगा होगा बी, 23 दिसंबर 2005 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपका जो सही आंसर होगा होगा सी, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, DDMA का विस्तृत रूप क्या है? तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा में सम्मिलित नहीं है? तो ए ऑप्शन दिया हुआ भूकंप, तो ये तो आपका प्राकृतिक आपदा है, बी चक्रवात, ये भी प्राकृतिक आपदा है, सी सूखा, ये भी प्राकृतिक आपदा है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा आपका, युद्ध वार प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वर्तमान में भारत में एनडीआरएफ की कितनी बटालियन है? तो 16 यानी 16, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की पहली आपदा प्रबंध योजना किसने जारी की? तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा नरेंद्र मोदी ने, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 1 जून 2016 को नरेंद्र मोदी ने जारी किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, अंतरराष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहां स्थित है? तो होनोलुलु में, आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, जो नवंबर 1965 में एस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा जल व पर्यावरण से संबंधित है? ए ओलावृष्ट, बी बादलों का फटना, सी समुद्री अपसरण, और डी उपरोक्त सभी। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एनडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या है?
यानी एनडीआरएफ का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो हो जाएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपदा तैयारी में समुदाय भागीदारी कब करेगा, जब वह आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो, आपदा प्रभाव के प्रति जागरूक हो और आपदा खतरों से परिचित हो। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका जो सही आंसर होगा होगा सी, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपदा के संदर्भ में डेस तथा ऑस्टर का क्या अर्थ होता है? तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपका सी, अशुभ और तारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, एनआईडीएम का पूर्ण रूप है? तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी आपदा प्रबंध के लिए राष्ट्रीय संस्थान, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्य के लिए सबसे घातक घटना है? तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, प्रकोप। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मॉक ड्रिल का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपका डी, उपरोक्त सभी स्तरों पर, यानी राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर भी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोई भी प्रकोप उस समय आपदा बन जाता है जब वह मानव आवासीय क्षेत्रों में आता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा आपदा प्रबंधन चक्र का घटक नहीं है? तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा होगा सी, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, शार्क आपदा प्रबंधन केंद्र स्थित है? तो काठमांडू यानी नेपाल में, आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, समाज पर आपदा के परिणाम होते हैं, जीवन की हानि, संपत्ति की क्षति, पर्यावरणीय क्षति, ये सभी के सभी सही है, आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आपदा प्रबंधन में शामिल है? तो आपका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स यहां पर ए या डी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा डाउट है हमारा, ए हो सकता है या डी हो सकता है, आप एक बार देख लीजिएगा, ज्यादा चांस है डी होने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आपदा प्रतिक्रिया के कितने चरण होते हैं? तो 5 चरण होते हैं, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सुभेदता विश्लेषण आपदा प्रबंधन चक्र के किस भाग में आता है? तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा ए, न्यूनीकरण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के जोखिम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम हैं? तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी उचित भवन निर्माण, एक अच्छी तरह तैयार आपदा योजना, हितधारकों के लिए के बीच जागरूकता, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन टीम यानी UNDMT किस देश में आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए जिम्मेदार है? तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा डी, सभी महाद्वीपों में। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन सा निकाय कर सकता है? तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, SDMA, यानी आप कह सकते हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से भारत में कौन सा संगठन आपदा का सर्वोच्च प्राधिकारी है? तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा बी, NDMA, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 36 है, DDMA की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो यहां पर जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, जिला अधिकारी, यानी इसमें कलेक्टर हो सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी जो ऑप्शन इसमें दिया होगा वही सही होगा। तो यहां पर जिला अधिकारी दिया है
तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली का मुख्यालय कहां स्थित है? तो हैदराबाद में आपका ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न होने वाली आपदा है? तो यहां पर जो सही आंसर होगा होगा ए सुनामी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किसे आपदा के रूप में नहीं जाना जाता है? निर्वनीकरण, आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, निर्वनीकरण। क्वेश्चन नंबर 40 है और लास्ट क्वेश्चन, हीट वेव कितने समय तक चलती है? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, दो या दो दिन से अधिक, यानी इसका कोई निश्चित नहीं है, तो इसका मतलब कई दिन, आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।